उत्तराखंड में एक से दो महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी सरकार से किसानों की नाराजगी लगातार बनी हुई है। वहीं हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने नगला शलारू गांव में जाकर किसानों का हाल जाना कि किसान मोदी सरकार में खुश हैं या नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों से वादे किए थे, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने का हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी का हो, चाहे रोजगार का हो, वो सब पूरे हुए या नहीं, जानिए किसानों ने क्या कहा। भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, अन्नदाताओं की क्या स्थिति है ये जानने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हरिद्वार के नगला सलारू गांव में आया है, जो एक किसानों का गांव है। और यहां के अधिकतर किसान भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। और जो किसानों से बात की जाएगी वो इन्हीं की भाषा में की जाएगी, जो एक किसानों की एक अपनी जबान होती है, खड़ी बोली, उसमें बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गढ़वाल के मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के संजय चौधरी जी मौजूद हैं। संजय चौधरी जी, क्या कहेंगे कि जैसे कि 13 महीने तक किसान जो है बॉर्डर पे डटे रहे, फिर आपका आंदोलन वहाँ से ख़त्म हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई कहेंगे क्या कि ऐसी सरकार नीति लाई कि जो हमें सड़कों पर लौटना पड़ा और 700 किसान हमारे शहीद हो। ये सरकार हमने वोट दी, इसे ताकत दी, इसलिए थोड़ी दी थी कि ये हमारी ज़मीन अडानी अंबानी को बेचा गया और हमें सड़कों पर लौट कर शहीद होना पड़ेगा। एक साल में हमारा ये टोला वहीं था, हमारा ये सामने खड़ा है और एक साल तक वहीं रहा। तो ये सारी स्थितियाँ इतनी इकट्ठा की उन्होंने क्या कहा था कि जो 70 साल में नहीं साथ में करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाओगे, आमदन दुगनी करेंगे, 3 करोड़ युवाओं को हड़ताल रोजगार देंगे और उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जो जनता को ऐसे नहीं हुए। तो हुआ कुछ नहीं, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। नहीं, मोदी जी ने तो कहा था कि भाई 2022 में जो किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, तो क्या आपकी आप लोगों की आय जो है दुगनी नहीं हुई, या कर्जा जो माफ करने की बात कही गई थी, कर्जा माफ नहीं हुआ आपका? भाई कर्जा वर्जा कोई माफ नहीं है, कोई कर्जा किसी का माफ है, पूरे गाँव में फिर लो बता दे, जुमलेबाज लोग। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था भाजपा ने कि ये तो जुमलेबाजी थी, खुद कह रहे कि जुमलेबाज है, फिर भी हम इनके चक्कर में हो तो अलग वाली बात है। एक भी कर्जा नहीं माफ हुआ, सारे धंधे इन्हें क्या कि 2-4 उद्योगपति बनाने, अडानी अंबानी बच्चा गुजा माल बेचारे टाटा, ठीक है आदमी टाटा पाटा को दे देंगे, सारा धंधा बेच कर सारे केमिकल, सारे खनिज, रेल, जहाज, ONGC, BHL, IDPL, तमाम बंदरगाह, कोई सारी कोले खनान 600 रुपये, सारा अडानी अंबानी को बेच दिया, LIC सब, ये तो देश बेचू पार्टी। अच्छा, जैसे सर्दी आएगी भाई डॉक्टर जोधर साहब, अभी मिल चल गए तो क्या थरा जो गन्ने का पेमेंट है वो भुगतान हो रहा टाइम पर? भुगतान कोई टाइम पर नहीं, 300 रुपये गन्ने का जो लागत मूल्य है, हमें सिर्फ लागत मूल्य मिल रहा, प्रॉफिट तो हमें एक पैसा भी नहीं मिल रहा, 350 रुपये गन्ने का सरकारी कोस्ट लागत मूल्य। तो इस तरह की इन सरकार की हरकतें हैं, तो ये जनता सब देख रही, भूखी मरगी जनता सारी। 7 साल हो गए सर सरकार को देश में, तो क्या रोजगार मिले आप लोगों को? रोजगार अभी युवा बैठे थे पूरे, सब युवा सड़क पर, एक ही नौकरी नहीं लगी गांव में, सब दिन तक सरकार आई। ये तो इन्हें तो जुमले फेंक कर झूठ बोल गए, और इन्हें क्या सर अडानी अंबानी की बस आओगी वह 200 रुपये दिहाड़ी देगी रोज की, ऐसी इनकी प्लान थी। ये तो बहुत गलत किस्म के लोग हैं जो ये सिकंदर हैं बिल्कुल। चौधरी साहब, अभी चुनाव आ रहा 2022 का, तो क्या किसे सपोर्ट करेंगे फिर तुम यहाँ से भाई? किसी देखेंगे, किसी को देखेंगे, जो भी कोई हो भाई बात लगेगा, सही लगेगा। अभी जनता का मूड कुछ नहीं है कि जो वोट देंगे, और इन्हें तो वोट कैसे दे देंगे, जो भ्रष्टाचार जो 100 रुपये में काम होता पटवारी का 1000 में, मतलब कोई काम आप जनता, आप एक आम रिपोर्ट ले लो कि कोई रिश्वत के बिना कुछ काम हो रहा हो। और बीजेपी तो नुकह रही है कि भाई यूपी में तो 300 पार और उत्तराखंड में 60 पार, फिर कैसे होगा जी? अब बीजेपी कह रही है तो इनकी जुबान है, वहाँ 22 में तो 7 आई, मैं क्या भैया अभी उपचुनाव हुई है 22 दिन की 7 आई, तो वो कहाँ के पैर बताओगे? अभी तो जनता बताओगी कहाँ के पैर हो। ये फर्जी लॉकडाउन भी लगा सको गड़बड़ करने को, ऐसा भी कर सको हैं। ये EVM में भी हमें भरोसा नहीं है, EVM में देखा नहीं अभी टेस्टिंग हुई थी कहीं कहीं, ये EVM भी सेट कर सको ये, हम राष्ट्रपति तो तमाम कर रहे हैं कि ये बैलेट तो हो पेपर, जितने विकसित देश थे उनमें बैलेट आएगी, जो सत्ताधारी आदमी जो सेटिंग कराता है। तो चूंकि इनका इन्हें जब भी तो इन्होंने इतने दिन में बात बनी ना, EVM का भरोसा था।
चौधरी साहब तुम कह रहे हो भरोसा नहीं, मोदी जी ने देश को कहां तक कहां पहुंचा दिया, चीन हो पाकिस्तान हो, अरे बहुत बुरी तरह डर रहे मोदी जी साहब। कौन सी सर कौन सी सर टूट गई भाई बताइए मुझे, वही माहौल जब था वही है भाई, खाली है जुमले चला दे, जब भी चुनाव होगा पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान और चीन। देश की सीमाएं सुरक्षित लग रही है मतलब? नहीं देश की जैसी सीमा पहले देख लो अभी कितने लोग मरे, आप देख लो कि इनके शासन में कितने मरे पहले कितने मरे, सुरक्षित तो जब भी कोई ना मरा हो देखो आप इनके आंकड़े गढ़ो, ज़्यादा मरे बीजेपी के शासन में, और तो ऐसा थोड़ी वही चीज़ जब थी वही है, वो कोई नया तो नहीं करके दिखा इन लोगों ना। 13 महीने तक आप वहाँ बैठे रहे बॉर्डर पर, तो क्या उसका फायदा नहीं मिला था? फायदा क्या मिला, जमीन बचा ली ये हमारी अपनी पैतृक जमीन थी, भरी लोग बच गए नहीं पानी को दे दी थी, कानून देखो कैसे कैसे अखबार एस डी एम तो बाहर को जा नहीं सकते, वो इनमें सड़क बना लो गोदाम बना लो, मतलब फ्री वो मालिक बना रही है अंबानी को, ये तो शिकत न रहा अडानी अंबानी के दलाल हैं लोग, इन्हें कहा 4 उद्योगपति चाह रहे हैं, सारा सारा पूरा देश की सारी जमीन सारे खनन सब चीज़ 4 उद्योगपति को चाह रही और बेच दिया, पहले वो वापसी लाओ जो बेचा देश की सारी प्रॉपर्टियाँ वापसी लाओ, किसानों जो 14 माह वादे करे थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बोलो कि जुमले खत्म करो वे वादे पूरे करो, और जब गाँव में घुसी हो जो तुमने वादा कराया और नहीं अपने मुँह पर फोटो लगाओ कि हम झूठे लोग रह लिए हम लोग। तो गांव में क्या इस बार 2022 के चुनाव में गांव में बीजेपी को नहीं आने देने के? नहीं उन तो सवाल जवाब हो रहे, भाग जाओ जो हम आप भाग जाओ, शहादत दी हमने दिल्ली बॉर्डर पे। अच्छा, और बस अपनी जो है बच्चों का जो है बस पेट ही पाल रहे, दिल तो कुछ रहा नहीं, कर्जा दुगना ही है, और जो है कर्जा तो माफ़ कर रहे हैं मोदी जी सब, किसका कर्जा माफ किया, आपका हो गया या हमारा हो गया या किसी से और से जाकर पूछ लो, कहीं जो है लिखित में है कहीं कर्जा माफ या किसी का? तो चुनाव में जो यूँ कह रहे भाई बीजेपी तो 300 को पार जाएंगे, वहाँ से उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में 60 को पार जाएंगे, फिर किस तरह जाने हैं जी भले कहीं कोई हला दो, ये तो जी भले कहीं कोई हला दो 500 ले लो चे। तो क्या किसान इस बार बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे भाई? जो है किसान विरोधी सरकार है, इसे सपोर्ट किसान कहाँ जम हो जाएगी, किसान के नहीं होती है जम सरकार, किसान एक किसान हमारे साथ और मौजूद रहे भाई क्या करेंगे ये भाई जो हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर यशवीर सिंह। हाँ यशवीर जी, डॉक्टर साहब इनका कहना है कि किसान विरोधी सरकार है भाजपा की, क्या ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है, ये इतने बड़े जुमलेबाज है, इन्होंने वादा करा था जब इनकी 2014 में सरकार आई थी, जब इन्होंने वादा करा था कि बहुत अच्छे दिन आएंगे, हमने भी सोच के भाई वोट दे दी सब ने, मगर भाई मिलकर इन्हें जिता लो किसी तरह, आज अगर इन्हें देखा जाए तो इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो वो अच्छे दिन क्या इतने बुरे दिन आ गए, महंगाई इतनी बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल कैसे ये टैक्स, देश की सीमा तो सुरक्षित है? कुछ सुरक्षित नहीं है जी, कहीं सुरक्षित नहीं है, इनके जुमलेबाजी में सुरक्षित है बस, कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है जी। तो क्या 7 साल में मोदी जी सुरक्षित नहीं कर पाए ना जी? जिस तरह से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे, इस तरह से मेरी फसल का दाम भी बढ़ा दो, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे, भूखे मर रहे बच्चे मेरे। अब एक और किसान जुड़े, क्या नाम है जी आपका? मोदी जी ने कहा था कि भाई रोजगार दूंगा, किसानों की आय दोगुनी करूंगा, सब झूठा आश्वासन, क्या कहूंगा इसको? मैं मोदी को वोट नहीं देने के, यहाँ तो मजदूर जो है वो किसान के साथ हो, जहाँ किसान वोट देगा वहीं हम देंगे। किसानों ने एक आंदोलन करा 13 महीने तक, उसका फायदा मिला क्या? नुकसान मिला, 750 आदमी खपाए आएंगे और क्या मिला इन्हों, इनका कहना है कि जो किसानों ने आंदोलन किया है 13 महीने तक उसका भी नुकसान मिला हमें। एक किसान और मौजूद है, क्या नाम भाई आपका? अशोक मेरा नाम। अशोक जी मोदी जी ने कहा था भाई कर्जा माफ कर दूंगा सारा और किसान की आय दुगनी कर दूंगा, 2022 तक कुछ नहीं कर रहा किसान, तो जीरो कर दिया, कमर तोड़ दी किसान की, इतनी महंगाई 54 साल हमारी भी उम्र आएगी, इतनी महंगाई बढ़ते हमने कोई नहीं देखा, सारे ड्राम घर खाली दे रहे, 5-5 लीटर 2-2 लीटर डीजल ला रहे लोग बाप, ट्रैक्टर हवा ले रहे आधे खेतों में ही, और कर्जे में दुगने डूब गए। 2022 चुनाव आ रहा है, इस पर 2 लाख रुपए कर्जा था, उस पर 5 लाख रुपए कर्जा आज की डेट में। मैंने कहा चुनाव आ रहा 2022, इसमें किस तरह किसान बावड़ा कर दिया इन लोगों ने, मतलब दिमाग सा कर दिया, सोच रहा क्या करो इनका इलाज, इलाज करने को फिर रहे किसान इनका। तो क्या 2022 में इलाज होगा? मुश्किल इलाज होगा इनका पूरा, जो असली किसान वो तो देने का ही नहीं जो वोट इन्हों। तो ये थे भाई हमारे साथ किसान लोग और किसान नेता भी मौजूद थे, जिनका साफ तौर से बात करी गई इनसे, इनका साफ तौर से कहना यह है कि भाई यह सरकार जो है बीजेपी की जुमले के बाजों की सरकार है, इसने 2014 से आज तक वादे करती आ रही, हमारे 750 किसान वहाँ से शहीद हुए
उसके बाद भी ना तो किसानों का कर्जा माफ हो रहा, ना आय दुगनी करने की बात कर ना वो कर रहे। अब आने वाले 2022 के चुनाव में इन्हें सबक सिखाया जाएगा और देखा जाएगा कि आगे कुछ करो या नहीं करते। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।